डिजर्विंग बोर्ड है, पोटेंशियल है, अच्छा खेलता है, क्योंकि अरुणाचल वालों जितना प्लेयर्स है ना, बहुत पोटेंशियल, और हम लोग में ये सब गट्स रखते हैं कि आगे बढ़ने का, बट हम लोग में थोड़ा फाइनेंशियल थोड़ा हर चीज़ में तो प्रॉब्लम रहता है, तो क्योंकि हम लोग बहुत जितना भी स्पोर्ट खेलते हैं तो तकलीफ पूरी फैमिली से ही बिलोंग करता है। दर्शकों, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, हाल ही में साउथ अफ्रीका डरबन में 11 कॉमनवेल्थ कैराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां पर हमारे राज्य के अरुणाचल प्रदेश के जो एक कैराटे खिलाड़ी जिसका नाम है राजेश फ्लैगो, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और 3 मेडल अपने नाम हासिल किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज वो वापस आज राज्य आ चुके हैं और उनके स्वागत में तानिंग सोसाइटी आए हैं होलोंगी एयरपोर्ट पर, और इस दौरान हमारे साथ जुड़ते हुए राजेश ने कुछ शब्द साझा की कि उनकी जो माता पिता है दूर दराज गांव पर रहते हैं, लेकिन उनकी कमी कभी होने नहीं दिया और तानिंग सोसाइटी ने हमेशा उन्हें ढेर सारे सुविधाएँ और सपोर्ट देते रहे, इसके लिए उन्होंने शुक्रगुजार किया। और साथ ही उन्होंने हाल ही में जो 3 मेडल हासिल किए उसके बारे में भी हमारे समक्ष विस्तार में साझा किया है। चलिए इस खबर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी। हमने सुना है कि आपने हाल ही में जो 11th कॉमनवेल्थ कैराटे चैंपियनशिप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी दर्शकों को आप बताएं कि ये कहाँ हुआ, कब हुआ और कितने मेडल्स लाए आपने। थैंक यू आपका ये सवाल करने के लिए। सबसे पहले रिगार्डिंग गेम का बारे बात नहीं करने पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा जितना भी आज जो तंजंग सोसाइटी का जो मेरा भाई भैया और भाभी जितने भी यहाँ आए हुए सभी को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो हमको आज अपना बिजी और अपना काम अपना टाइम को छोड़ के मेरे लिए यहाँ हमको प्यार करके आया है वो हम, और ये इसको हम एप्रिसिएशन इसको लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये मेरे लिए इतना हम खुशी आज तक नहीं हुआ है जितना हम मेडल मार के खुशी हुआ है। ये लोग हम देख के उतना, अरे जितना मेडल मार के ये लोग को देख के जितना खुशी हुआ है मेडल मार के उतना वाकई मेरा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं सबसे और एक वंस अगेन मेरा जितने भी रिलेटिव्स है और मेरे भाभी भैया जितने भी हैं तंजंग सोसाइटी मेरा क्लैन का और उसके साथ जो अलग ट्राइब का भैया जो भी आया हुआ है सबको मैं और एक बार मेरे दिल से शुक्रगुजार और शुक्रिया कहना चाहूँगा। और उसके बाद आप जो अभी ये रिगार्डिंग गेम का बारे पूछे ना, तो ये गेम जो ऐसे है कि हम लोग का इस बार जो डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो उसमें हम लोग का जो मैंने एलिज में एलिज जो बोलते हैं कि चैंपियनशिप, उसमें आपका जो सिलेक्टेड प्लेयर जो जाता है जो आपका जो नेशनल गोल्ड और सिल्वर को सिर्फ बेचता है, और एक क्लब चैंपियनशिप उसमें आपका ओपन टू ऑल बेचता है, ये क्योंकि खुला बार है कोई बार नहीं ये उसमें हमको एलिज में भी सिलेक्ट किया जाए और क्लब में तो हम खेला ही है, तो एलिज में आपका जो क्या है कि एलिज में मैंने सिल्वर मारा और अपना इंडिविजुअल वेट में जो आपका जो कैटेगरी है वेट है -67 to 75 का बीच में होता है, तो वहाँ में मेरा जो तीन बहुत कंट्री जो अभी आपका जो फर्स्ट राउंड है मेरा जो स्कॉटलैंड का सत्ता, सेकेंड राउंड जो श्रीलंका सत्ता, थर्ड राउंड जो वहाँ का ही अफ्रीका सत्ता, और फोर्थ राउंड जो वो क्या तरह ऑस्ट्रेलिया सत्ता सेमीफाइनल, और आपका जो फाइनल राउंड जो नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट जो परने शर्मा जो हमारा जो एशियन अरे इंडिया का जो टॉप मेडलिस्ट है जो अभी जो बेस्ट फाइटर में गिना जाता है उसका साथ खेला था,
अनफॉर्चुनेट हार गया, हर गेम तो होते हैं, तो उसका सजा रहा था। तो सेकेंड है जो गोल्ड मेडलिस्ट, जो गोल्ड हम लोग हमको इस बार जो नेशनल टीम में चुना गया था, जो हमारा जो आपका जो नेशनल टीम में जो मेन नेशनल से 5 प्लेयर चुनता है, जो एलिट में जो नेम में जो 5 प्लेयर जो मैंने जो बेस्ट फाइटर लोग, तो उसमें जो इंडिया के लिए वो 5 प्लेयर जो इंडिया के लिए एक टीम बनाता है तो वो खेलता है एक इंडियन टीम से। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग एलिट में चैंपियनशिप जो मेन चैंपियनशिप में उसमें हम लोग हार गया, फर्स्ट सेकेंड राउंड में हार गया, स्कॉटलैंड साथ हार गया, तो उसमें नहीं मिला है। तो हम लोग फिर क्लब में उसमें वही टीम जो खेला है उसमें क्लब में गोल मारा, तो उसमें हम गोल हासिल किया। तो फिर वहीं में अपना क्लब में फिर से अपना इंडिविजुअल में फिर से सेम वेट में मैंने फिर वहाँ ब्रॉन्ज मारा। तो मैं हमारा जो इंडिया के जो कियो कराते इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेसिडेंट है, जो आज मुझे इस काबिलियत समझा मुझे जो अपना देश को जो रिप्रेजेंट करने का, जो टीम फाइट में ऐसे एक इंडिया जैसे एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के 5 प्लेयर में मुझे सिलेक्ट किया है, और आज के दिन में एक लीडरशिप का लीडरशिप के तौर में वो इतना अच्छा हम लोग इंडिया को कराते को ले जा रहा है, आपको इंटरनेशनल में इतना अच्छा मेडल हम लोग को आज के दिन में हासिल करने दे रहा है, तो उसको मैं मेरा तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो हमारा हंसी भारत शर्मा सर, जो कि हमारा कियो का प्रेसिडेंट है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा फेडरेशन का, तो उसके चलते है मैं अपने फेवरेट भैया जो टीम इंडिया कैप्टन अनिकेत गुप्ता, जिन्होंने हमें अपने घर में 10 दिन दिल्ली में रहने दिया, खाना पीना पूरा फ्री, अपना एकेडमी फ्री, तो उसने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस किया हम सब अरुणाचल टीम को, सब इंडियन वालों को सब बहुत अच्छा गाइडेंस किया, उसका गाइडेंस के चलते उसका अंदर उसका गाइडेंस और उसका जो हम लोग को जो सपोर्ट और वो जो हम लोग मोटिवेशन और हम लोग को जितना ऑल ओवर जितना इंडियन टीम का वही पूरा संभाला, और हम लोग को पर्सनली मैं अपने पर्सनली हम उसको थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत प्यार दिया उसने, तो उसके चलते मैं आज जितने भी यहाँ मेडल लाया तो उसके चलते ही मैं उसको ही मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपना जितना। और थर्डली मैं अपने स्टेट पे आऊँगा, जो स्टेट का जो हमारा जो अपका जो हमारा एसोसिएशन है, जो अपका एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी और जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर, उन सभी को भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो कि हमें स्टेट से भेजा गया है। तो स्टेट से इतना स्टेट से नहीं भेजता बोलने से फिर नेशनल में नहीं जा पाता, तो स्टेट से हमें गाइडेंस करके पूरा फॉर्मेलिटी के साथ भेजा गया है, तो स्टेट में हम लोग को जितना हम लोग को थैंक्स करना चाहूँगा उसको। तो लास्टली मैं मेरा तरफ से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जितना भी मेरा जो तंजंग सोसाइटी जितना भी आके मैं अपना तंजंग सोसाइटी में आऊँगा, क्योंकि आज मैं यहाँ करा हूँ, मैं अपना गेम को छोड़ के जितना मैं यहाँ करा हूँ और मैं जा सका हूँ तो मेरा तंजंग सोसाइटी का कारण से ही है। तो उन लोगों ने मुझे हमेशा पुश किया, हमेशा मेरा पीछे चट्टान बन के हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेशन किया, मुझे कभी कभी फील होने नहीं दिया कि मैं एक पूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मेरा मम्मी पापा बस्ती में रहता है, खेती करता है, दिन में एक खराब दिन में दस एक 2000 नहीं कमाता है, बट ऐसे आपका जो इतना एक्सपेंसिव गेम है, इतना अफ्रीका जैसे गेम है, तंजिंग सोसाइटी का बदलाव से मैं जा पाया हूँ। और हमेशा ये गेम नहीं है मेरा तंजिंग सोसाइटी, जो हमको सिर्फ नहीं है, अभी जो उभरते हुए यूथ जितने भी है, जितने भी यूथ है जो पढ़ाई लिखाई हर प्लेटफॉर्म में कोई भी प्लेटफॉर्म में हमारा तंजिंग सोसाइटी हमेशा पीछे करा रहता है, मैं अप्रिशिएट हमेशा करूँगा। और मैं उसके चलते मैं मेरा तंजिंग सोसाइटी को मैं मेरा तंजिंग सोसाइटी का तरफ से मैं एक अवेयरनेस और एडवर्टाइजमेंट टाइप का बोलूँगा कि हर सोसाइटी में ऐसे होना है मेरा तंजिंग सोसाइटी जैसे, तभी मेरा जैसे और हमसे बड़ा बड़ा प्लेयर और कल को जाके ओलंपिक लेवल तक हर कोई जा सके, क्योंकि हम में डिजर्विंग बोर्ड है, पोटेंशियल है, अच्छा खेलता है, क्योंकि अरुणाचल वालों जितना प्लेयर्स है ना बहुत पोटेंशियल, और हम लोग में ये सब गट्स रखते हैं कि आगे बढ़ने का, बट हम लोग में थोड़ा फाइनेंशियल थोड़ा हर चीज़ में प्रॉब्लम रहता है, तो क्योंकि हम लोग बहुत जितना भी स्पोर्ट कहता है तो तकलीफ पूरी फैमिली से ही बिलोंग करता है, अगर हमारा तंजिंग सोसाइटी जैसे सपोर्ट और बैकबोन मिलता है बोलने से हर कोई अरुणाचल से अच्छा प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर कल को निकालेगा, मैं सोरेन और मैं ये दावे का सच कहता हूँ।
जैसे कि हमने आपके अभी बच्चे से सुना है कि ये जो साउथ अफ्रीका जाके इतनी दूर जाके आप लोगों का सोसाइटी का नाम भी रोशन किया है, स्टेट का नाम भी एज वेल एज कंट्री का नाम भी रोशन किया है, इतना बड़ा मुकाम पर जाके इसने इतना अच्छा खेला है, तो आप कुछ इसके शब्द साझा करना चाहोगे? नहीं, ये तो हम लोग के लिए सच में, हम लोग तंजंग सोसाइटी के लिए ये बहुत बड़ा है, प्राउड मोमेंट है, और हम लोग विश करता है कि ये इसी तरह और आगे चल के हमारा तंजंग सोसाइटी इस कमिंग से और आगे अरुणाचल में, इंडिया में, मतलब भारत को और बाहर जगह में जाके रिप्रेजेंट करे, हम लोग का यही विश है। और मतलब हम लोग सोसाइटी लोग तो हमेशा हम लोग का जो आपका स्पोर्ट्स हो जो भी होने से हम लोग हमेशा साथ रहता है, और इसको भी हम लोग विश है कि आप जब भी आगे जाएगा तो हमारा सोसाइटी जो हमेशा आपका साथ खड़ा वाला, मतलब उसको फील होगा। देखिए, ये जो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हम यहाँ अरुणाचल में जो है, आप जैसे दिखाई देता है बोलू से अरुणाचल, जैसे मेरा भाई जो आगे उसका नाम राजेश है, मेरा नाम राकेश है, तो जैसे आगे जो बोला है कि हम लोग यहाँ में नेचुरली हम लोग जो है यहाँ जो अरुणाचल उसका नॉर्थ ईस्ट जो रहता है, यहाँ में हर कोई जो है, एक तो हम लोग जो वो हो के जो हर नेचुरली हम लोग जो बॉर्न से ही हम लोग जो एक तो फिजिकल जो हम लोग का जो तो अच्छा होता है, स्पोर्टिव होता है, तो उसका चलते जो हम लोग यहाँ का स्पोर्ट में जो बहुत अच्छा होता है। हम गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहता है कि देखिए, यहाँ में गवर्नमेंट में हम लोग बहुत सारा देखा है कि ईयर ऑफ एडुकेशन देखा है और फिर ईयर ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सा ऐसे ऐसे कुछ कुछ देखा है, मगर अरुणाचल में गवर्नमेंट को ये भी समझना पड़ेगा कि ईयर ऑफ एडुकेशन का बाद जो है हम लोग यहाँ स्पोर्ट को भी तो इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। जिस दिन हम स्पोर्ट को इम्पोर्टेंट देता है बोलने से, यहाँ से जो कल को इंडिया में रिप्रेजेंट करें, जैसे आज जो मेरा भाई जो रिप्रेजेंट करके आए, कल को ये जो किसी के साथ भी हो सकता है। और जब हम तकलीफ का बात करते हैं, देखिए हम लोग जो फैमिली जो बैकग्राउंड हम लोग जो बिलोंग करते हैं, हम सचमुच में हम लोग जो है बहुत तकलीफ से बिलोंग करते हैं। जैसे ये इसका भाई का जो वो है, मेरा चाचा का बेटा लगता है, तो चाचा जो है अभी बेचारा वो जो बस्ती में रहता है, अभी ये जो साउथ अफ्रीका गया है, उसका मम्मी जो है साउथ अफ्रीका गया है, साउथ अफ्रीका कौन सा जगह में रहता है, कौन सा कंटिनेंट में, इवन उसको भी आइडिया नहीं है, फिर भी जैसे इसका स्पोर्ट का बारे बात करता है, हम लोग थोड़ा फील करता है कि हाँ इंपॉर्टेंट को जानता है। तो ऐसे हो कि हम लोग जो जुगर पट्टी करके कई कई से इंटरेस्ट लेके या कुछ कुछ एक दो रुपया जो है सोसाइटी से मांग के, किसी से भी वो जबरदस्ती जो चंदा मांग के, ऐसे करके हम जबरदस्ती बहना पड़ता है। तो इसको जो हमको लगता है कि अरुणाचल सरकार जो समझना पड़ेगा, और यहाँ में जब देखा जाता है सरकार के हिसाब से जब बात करता है, देखिए हमको ये कभी फील नहीं होता है कि अरुणाचल सरकार जो जिस लेवल से जो है स्पोर्ट पर्सन को जो है हेल्प करना चाहिए, जिस लेवल से जो है होना चाहिए, कभी यहाँ में इंसेंटिव यहाँ कभी ढंग से पहुँचता नहीं। जैसे आपका आज यहाँ ये कॉमनवेल्थ जाना था, हम लोग फैमिली वाला हम लोग कितना हम लोग जो कर्ज में है, हम लोग कितना दुख तकलीफ झेल के, हम लोग जानता है। तो इसको हमको लगता है कि स्पेशली यहाँ का स्पोर्ट मिनिस्टर सिर्फ नाम का मिनिस्टर नहीं होना है, इवन वो जो मिनिस्टर जब रहता है वो मिनिस्टर का काम को भी कर सकना है, और यहाँ का आंसू आपसू का भी लीडर जो है स्पेशल गेम एंड स्पोर्ट्स से की, तो ये सब चीज़ को ध्यान देना। हम यहाँ का यूथ का आगे बढ़ा बोलता है ड्रग्स बंद करो, ड्रग्स छोड़ो, ड्रग्स छोड़ो, ड्रग्स को सिर्फ छोड़ने से नहीं होता है बाबा, स्पोर्ट को खेल को जोड़ो बोलते, खेल को जोड़ने के लिए आजकल महंगाई ज़्यादा हो गया, तो ये है।